Assalamu alaikum, dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD scholar of physics. हम basic physics पे playlist कर रहे हैं, तो आज हमारे पास topic है momentum. Momentum क्या है? The quantity of motion because of mass and velocity, या the product of mass and velocity. तो कोई object है, उसके पास कितना mass है और कितनी उसके पास velocity है, उन दोनों के product से एक नई quantity बनती है, उसको हम नाम देते हैं momentum. हम पहले प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं कि बेस क्वांटिटी से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे बनाते हैं, कि बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. तो आज हमें वो तरीका मिल रहा है कि जिसमें हम मास एक बेस क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम तो बेस क्वांटिटी से बनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं मास और वेलोसिटी को, तो उससे एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम नाम देते हैं मोमेंटम. और मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम वेक्टर है इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो ड्रा किया है, और मास स्केलर इसलिए नहीं है इस पे, और वेलोसिटी वेक्टर उस पे भी एरो है. तो बाय नेचर यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मैंने लिखा है कि नेचर इसका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बाय नेचर. और यूनिट इसका क्या है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट मास का किलोग्राम है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है. अच्छा जी, एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो मोमेंटम इंक्रीज करता है, अगर हम मास को कम करते हैं तो मोमेंटम इंक्रीज, या इन द सेम में अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो मोमेंटम इंक्रीज, या वेलोसिटी को घटाते हैं तो मोमेंटम डिक्रीज है. दूसरे अल्फाज में कि मास और वेलोसिटी दोनों में से हम किसी एक को इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रक है, उसका वेट है 1000 किलोग्राम, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो. इन द सेम में अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसका मास अगर मैं 2 ग्राम कंसीडर करूँ और इसके पास ऐसे वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मोमेंटम मैं कैसे अचीव करूँगा कि इसके मास और वेलोसिटी को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ. और इन द सेम में अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि सपोज एक बुलेट है कि जिसका मास है 200 ग्राम, और वो ट्रेवल बुलेट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, और इस कंपैरिजन टू दैट, इन कंपैरिजन टू दैट अगर मैं एक फुटबॉल कंसीडर करूँ जिसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है बुलेट से, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी मैं कंसीडर करूँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर उसके बाद मास को बुलेट के मास और मोमेंटम को वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूँ तो उससे रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं. और फुटबॉल जिसका मास बहुत ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी बहुत कम है, तो उसका मोमेंटम का फाइनल रिजल्ट जो है वो कम आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है. तो हमें कंपैरिजन में देखना होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है, हमें उसकी वेलोसिटी को भी देखना होगा. इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसका मोमेंटम क्या होगा ज़्यादा. तो इसके साथ बात कर लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन लॉज बेसिकली फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि फोर्स को हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन लॉज. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि हाँ, पहले सबसे पहले ये बात कि लॉज को हम स्टेटमेंट देते हैं, उसका बयान करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते हैं. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अनटिल रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन इट. अब एक कोई ऑब्जेक्ट अपने हालत को नहीं बदलता, देखिए पोजीशन से क्या मतलब, अपने हालत को, कोई ऑब्जेक्ट अपने हालत को नहीं बदलता जब तक आप उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स ना. हालत से क्या मतलब है, हालत वो रेस्ट वाली हालत भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन वाली हालत भी हो सकती है. तो कोई ऑब्जेक्ट हालत से क्या मतलब है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन. तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रेस्ट में रहना पसंद करता है या वो यूनिफॉर्म मोशन में पसंद करता है जब तक आप उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स ना लगाए. एक्सप्लेनेशन में हम क्या कर सकते हैं, मिसालों से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेबल है वो ज़मीन पर पड़ी है, तो वो फॉर एवर ज़मीन पर पड़ी रहेगी जब तक कोई बंदा कोई इसको पैकअप ना कर ले, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई ना लगाए, कोई रिजल्टेंट फोर्स उस पर ना लगाए. तो मतलब ये है कि टेबल ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना है. इन द सेम में अगर हम क्या करें, एक फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को ऐसे ग्राउंड पर रोल करते हैं, तो ये ऐसे इसने जाना था, इसने फॉर एवर मोशन में रहना था, लेकिन हो क्या जाता है कि जब हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं. तो क्या न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ गलत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपोजिंग फोर्सेस हैं, एयर रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन फोर्स भी है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है और उसके मोशन को रोक रहे हैं. अगर हम
ऐसे इस काम में कामयाब हो गए कि हम यहाँ फ्रिक्शन को भी ख़त्म कर दें और ये रेजिस्टेंस को भी ख़त्म कर दें, फिर हम देखेंगे कि ये बाल फॉर एवर ट्रेवल करेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो दोनों मिसालों से ये क्लियर हो गया कि वाकई ऑब्जेक्ट अपनी हालत को नहीं बदलता जब तक आप उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगाते। रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स। अच्छा जी, मैथमेटिकली हम इन चीज़ों को, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक ही बात है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ये अपने उस वेलोसिटी को नहीं बदलता है। जैसे हमने दो एग्जांपल में पहले देखा कि टेबल रेस्ट में है तो वो था क्या फॉरएवर रेस्ट में रहता है, और अगर कोई क्रिकेट बॉल या कोई गाड़ी कार वगैरह यूनिफॉर्म मोशन में है तो फॉरएवर यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कोई रिजल्टेंट फोर्स पर अप्लाई ना हो। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। अब डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन काज करता है। वो एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है और मास के साथ इनवर्स रिलेशन में। Resultant force produces acceleration in a body. That acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the inverse related to the mass of the body. Hopefully कि आप direct और inverse relation को understand कर चुके होंगे कि direct proportion का मतलब ये है कि एक quantity को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी quantity भी बढ़ती है, एक आप कम करें दूसरी भी कम होती है। Inverse का मतलब ये कि एक बढ़ाते हैं तो दूसरी कम होती है। For example अगर मैं एक example दे दूँ कि ऐसे ये मेरे पास सर्कल है, ये उसका रेडियस है, अगर तो मैं ये उसके ऐसे सर्कमफेरेंस ये, अगर तो मैं रेडियस बढ़ाता हूँ सर्कमफेरेंस बढ़ता है, ऐसे मतलब कि मैंने ये रेडियस को ऐसे इंक्रीज कर लिया तो सर्कमफेरेंस भी ऐसे इंक्रीज हो गया। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है कि मैंने एक क्वांटिटी को बढ़ा ली दूसरी भी। और इन द सेम में अगर मैं किसी काम के लिए नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा रहा हूँ तो वो ज़्यादा काम करेंगे, तो नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने से बढ़ाना और काम भी बढ़ गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। इन द सेम में अगर मैं नंबर ऑफ लेबर बढ़ा तो कम दिन मुझे लगते हैं उसी काम करने में, तो नंबर ऑफ लेबर और टाइम जो है, नंबर ऑफ डेज जो है, वो आपस में इनवर्स रिलेशन है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं कि ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए प्रोपोर्शनल टू वन आवर एम। जब भी इनवर्स रिलेशन आप लिखेंगे तो वन आवर एम में लिखते हैं, वन आवर में लिखते हैं ऐसे। इसकी क्वेश्चन नंबर वन और ई टू, अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, ए प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। यहाँ तक हम इनको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये देखिए कि ए प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एफ का क्या मतलब है। देखिए मेरे पास ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, मास इज 5 kg 5 kg, एक पर मैं 5 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करूँ दूसरे पर 10 न्यूटन। तो जिस पर मैं 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करता हूँ वो ज़्यादा दूर जाता है, उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आता है, तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन। इन द सेम मेरे पास मैं दोनों पर दो ऑब्जेक्ट हैं उस पर 5 न्यूटन सेम फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, वो दूर जाता है, ये दूर जाएगा 10 kg वाला कम वेलोसिटी और कम एक्सेलरेशन में रहता। तो ज़्यादा दूर जाने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा चेंज होगा, वेलोसिटी सॉरी ज़्यादा चेंज होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इसमें, सेम फोर्स लेकिन जिसका मास कम है एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा। तो मतलब ये है कि मास और एक्सेलरेशन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम, और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ए इज इक्वल टू के एफ बाई एम। और न्यूटन फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर दिस लॉ एंड दिस वन द कांस्टेंट जिसको न्यूटन ने के इज इक्वल टू एस आई सिस्टम में 1 का नाम दिया, तो हम उसी को 1 का नाम देते हैं। वैसे एक्चुअली कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट होता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूटन डिस्कवर दिस लॉ। और फिर उसके बाद अगर के को हम 1 मान लें तो इज इक्वल टू एफ बाई एम, अगर मैं इस एम को इधर लेके आऊँ तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये मैथमेटिकल लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। यहाँ से हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 1 kg है और मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 1 m/s², तो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो फोर्स कितना है 1 न्यूटन। आज के लिए इतना ही।